नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। CSIR, CAC, ASO, SO जिन बच्चों ने इसका पेपर वन और पेपर टू क्वालिफाई कर लिया है, पेपर वन और पेपर टू जिन जिन बच्चों का क्वालिफाई हो गया है, वे डिस्क्रिप्टिव एंड CPT के लिए वरिड है। ठीक है, CPT में आप सभी का डाउट है कि CPT के अंदर क्या पूछा जाएगा, किस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं इसके अंदर, और डिस्क्रिप्टिव कहीं ना कहीं इसके अंदर जो दिमाग में आपका है वो है कि AC का क्या फॉर्मेट होगा। पहले तो डिस्क्रिप्टिव किस तरीके का होगा, ऑनलाइन मोड में होगा या ऑफलाइन मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव के अंदर पूछा क्या जाएगा, AC कहाँ से पूछा जाएगा, AC का लेंथ क्या होता है, बहुत सारे मैसेजेस हैं। ठीक है कि सर इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाइए, तो थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है। ठीक है, लेकिन फाइनली ये वीडियो बहुत ही इफेक्टिव है आप सभी के लिए, पूरा देखना है आपको, क्योंकि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली, अगर आपने वीडियो पूरा देखा, अच्छे से चीज़ों को समझा, तो कहीं ना कहीं ये आपका मार्क्स इनहेंस कर देंगे। ठीक है, तो बिना विलंब किए हम लोग डायरेक्टली आते हैं। डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर होगा, दैट इज़ पेपर 3, ये एक ऑफलाइन मोड में होने वाला पेपर है। ठीक है, आपको पेन पेपर मोड में ये एग्ज़ाम होने वाला है, जहां आपको 2 घंटे मिलेंगे। 150 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा, मेरिट लिस्ट में ये मार्क्स इंक्लूड होगा, तो इसीलिए आपको बहुत ही सीरियसली होकर के इसका प्रिपरेशन करना है। आपको इसके अंदर ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग और लेटर राइटिंग पूछा जाएगा। 2 आपसे ऐसे पूछा जाएगा, एक प्रिसाइज बेस्ड क्वेश्चन होगा और एक लेटर या अप्लीकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, जो ऐसे है वो 50 मार्क्स का होगा, यानी 2 ऐसे आपको पूछा जाएगा, यानी 100 मार्क्स आपके यहाँ पे हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ऐसे राइटिंग। ठीक है, इसके बाद जो प्रिसाइज राइटिंग है वो 30 मार्क्स का होगा, और ये बहुत ईजी होता है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक लेटर राइटिंग है जो कि 20 मार्क्स का होगा, यानी कि जो मेजर एरिया है वो है ऐसे राइटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऐसे राइटिंग से रिलेटेड जो डाउट्स हैं आप सभी के, कि ऐसे राइटिंग कितने वर्ड्स पे लिखना चाहिए। ठीक है, तो देखो जो एक्चुअल, जो जिसे कहते हैं एक आइडियल ऐसे होना, जहाँ पे आपका, आपके सारे थॉट बहुत अच्छे से फिट हो जाए और सामने वाला को बोरिंग भी ना लगे। ठीक है, जो एग्जामिनर है उसे बोरिंग भी ना लगे, तो कोशिश करो कि आपका ऐसे जो है 450 से लेकर के 500 वर्ड्स के बीच में ख़त्म हो जाए। ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी ऐसे का टॉपिक होता है जहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा दिमाग में आते हैं, कि इसे भी डाला जा सकता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी इंक्लूड किया जा सकता है, तो उस केसेस में अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा लिमिट में रख करके जो अच्छी चीज़ें हैं उसे डालना है, और कोशिश करना है कि आपका ऐसे 400 वर्ड से लेकर के 600 वर्ड के अंदर अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। 600 प्लस हो गया, इसका मतलब आपका ऐसे जो है लेंदी है। अब इतना लंबा है ऐसे कोई पढ़ता नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जो मेन चीज़ें होंगी वो देखेगा एग्जामिनर, आपकी हैंडराइटिंग चेक करेगा, सारी चीज़ें अगर ओके रहीं तब जाकर के आपको मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए कोशिश ये करना है कि 400 से 600 के बीच में आपका ऐसे कवर हो जाए। जब कभी भी आप ऐसे अपना पूरा लिख लें, ठीक है, जब कभी भी अपना ऐसे आपका कंप्लीट हो जाए, तो कंप्लीट होने के बाद आपको हमेशा हमेशा, ठीक है, कंपिटेटिव एग्ज़ाम का जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव पेपर का जब भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे राइटिंग जब भी आपका कंप्लीट होगा, तो एट द एंड ऑफ द ऐसे आपको टोटल वर्ड्स काउंट जरूर मेंशन करना है कि आपने कितने वर्ड में अपना ऐसे कंप्लीट करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, छोटी सी चीज़ है लेकिन एक इंप्रेशन क्रिएट करके चली जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक वीडियो और आप सभी को मिलने वाली है, ठीक है, जिसके अंदर टोटल 100 इम्पॉर्टेंट ऐसेज के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो 2023 से लेकर के 2024 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं उसे ध्यान में रख करके इसके ऊपर में एक वीडियो आएगी, जहां पे मैं आपको टोटल इम्पॉर्टेंट ऐसेज 100, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। इसी वीडियो के अंदर ये भी मैं बताऊंगा कि आप क्या क्या चीज़ें ऐसे लिखते समय ध्यान में दोगे, ध्यान में रखोगे, जिससे आपके मार्क्स, आपके स्कोर जो हैं बूस्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रिसाइज राइटिंग। देखो, प्रिसाइज राइटिंग में एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है, वो ये है कि जितना भी आपको लंबा पैसेज मिल जाए, ठीक है, मान लेते हैं 500 वर्ड का पूरा पैसेज आपको दिया गया है, तो आपका प्रिसाइज 1/3 ऑफ द पैसेज वर्ड्स के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। यानी आपको कोशिश करनी है कि 170 वर्ड, ठीक है, 170 भी नहीं, 160 के अराउंड में मान लो, जितना कम हो सके उतने कम वर्ड्स के अंदर बहुत ही कंसाइज वे में आपको प्रिसाइज लिखना है। 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 से कम हो सकता है तो चलेगा। ठीक है, मतलब पैसेज के जितने भी वर्ड्स होंगे
उससे आपको 1/3 काउंट करना है, 1/3 से कम वर्ड्स में, या मैक्सिमम जाए तो 1/3 वर्ड, ठीक है, उतने वर्ड्स में आपको प्रिसाइज लिख करके ख़त्म करना है, ठीक है। प्रिसाइज का टाइटल बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, इस चीज़ को मिस मत करना क्योंकि इसमें मार्क्स हैं, ठीक है। आपको हमेशा आप जो पैसेज पढ़ रहे हैं प्रिसाइज के लिए, ठीक है, आपको उसका टाइटल सोच करके रखना है, एक आइडियल टाइटल को वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राफ्ट पहले मैं नहीं बताता था कि ड्राफ्ट बनाओ, लेकिन ये मार्क्स स्कोरिंग है, ठीक है। जो एग्जामिनर होता है वो चेक करता है कि बच्चे ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाला है या नहीं निकाला है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको एक रफ ड्राफ्ट जरूर बनाना है जब भी आप प्रिसाइज लिखो उससे पहले, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा लेटर और एप्लीकेशन में से कोई एक पूछेगा आपसे, फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ भी पूछ सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि फॉर्मल लेटर ही पूछे, इनफॉर्मल लेटर भी पूछा जा सकता है, ये मैंने देखा हुआ है। चांसेस ज़्यादा होता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर पूछने का, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ट्रेंड है कि जितने भी डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स हुए हैं मैक्सिमम में इनफॉर्मल लेटर को भी पूछा गया है, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं CPT के बारे में, ठीक है। जो CPT होगा इस पे आपको मेनली क्या पूछा जाएगा, MS Word, PowerPoint और Excel से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको बेसिकली एक प्रैक्टिकल करके दिखाना है। जो CPT होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसका मार्क्स जो है आपका मेरिट लिस्ट में नहीं बनने वाला, लेकिन जो आपका टोटल मार्क्स बताया जाएगा, ठीक है, मतलब जो फाइनल लिस्ट निकलेगी उसमें आपका जो टोटल मार्क्स दिखेगा वो इसके मार्क्स को इंक्लूड करके बताया जाएगा। तो ऑब्वियस है अगर आपको फ्यूचर में इनकेस किसने आपसे पूछा कि आपके जो है पूरे ओवरऑल कितने मार्क्स बने इस एग्जामिनेशन में, तो आप अगर सामने वाले से अपने आप को ज़्यादा दिखाना चाहते हो तो जो आपका फाइनल मार्क्स होगा वो आप बताओगे जिसके अंदर इसका मार्क्स CPT का मार्क्स इंक्लूड होगा। लेकिन ये मार्क्स जो है जो भी आप लेकर के आओगे वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट बनाते समय इंक्लूड नहीं करा जाएगा। क्लियर हो गया, ये कितने मार्क्स का हो रहा है, 100 मार्क्स का हो रहा है। किस पोस्ट के लिए हो रहा है, ASO की पोस्ट के लिए हो रहा है। SO की पोस्ट के लिए क्या होने वाला है, इंटरव्यू। तो ASO की पोस्ट के लिए आपको CPT पूछा जाएगा, ठीक है। CPT के अंदर होगा क्या, मेनली क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो टाइपिंग ऑफ द पैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वर्ड पे आप काम कर रहे हो, कि आप MS Word आपसे दिया गया या आपको बोला गया कि भाई एक पैरा आपको पकड़ा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसके अंदर जो चीज़ें जिस फॉर्मेट में लिखी गई हैं आपको उस फॉर्मेट में चीज़ों को टाइप करना है, ठीक है। तो एक पैसेज को टाइप करने के लिए आपको बोला जाएगा जिसके अंदर में जो एक्चुअल फॉर्मेट गिवन है या फिर जो डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड मतलब आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे कि ये पैसेज लिखना है, इसका फॉन्ट ऐसे करना है, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करना होता है, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करना होता है, कुछ कभी कभी फॉन्ट चेंज करना होता है, वो सारी चीज़ें जो भी इंस्ट्रक्शन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसेज को लिखना होगा वहाँ पे टाइप करके, ठीक है। इसके अलावा स्लाइड प्रिपरेशन दिया जाएगा आपको, स्लाइड प्रिपेयर करने को, ठीक है। इसके अलावा स्प्रेडशीट पे आपको एक डाटा दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला बेस्ड कुछ कैलकुलेशन भी करके दिखाना होगा, ठीक है। अब चूंकि एक्सेल में फॉर्मूला वाला जहां टॉपिक आ जाता है ना, तो वहां पे बहुत सारे बच्चों के लिए कान खड़े हो जाते हैं कि भाई कैसे करना है। इस वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो एक बार कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। तो स्प्रेडशीट पे कैसे काम करना है वो मैंने बता दिया आपको, सिंपली आपको एक डाटा दिया जाएगा और आपको उस चीज़ को स्प्रेडशीट पे करके MS Excel पे करके आपको दिखाना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जैसे शायद बहुत सारे बच्चों ने मिस करा, ठीक है, वो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। ध्यान रखना कि जो आपका Paper 3 एंड CPT होगा वो मात्र ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 11 सिटीज़ में होगा, जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पे सामने दिख रही है, ठीक है। इन्हीं 11 सिटीज़ में आपके सेंटर्स पड़ेंगे और चाहे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी निवास कर रहे हो, आपको इन्हीं सेंटर्स में से किसी एक सेंटर पे बुलाया जाएगा। अगर आप CSIR CAC डिस्क्रिप्टिव पेपर के इवेल्यूएशन में इंटरेस्टेड हो, मतलब आपको एक ऐसा टेस्ट चाहिए जहाँ पे जिस तरीके का आपका पेपर हो, ठीक है, जिस तरीके का डिस्क्रिप्टिव पेपर आपसे पूछा जाएगा, आप उस टाइप का टेस्ट देना चाहते हैं जहाँ पे आपके शीट जो आपने लिखा है मैं आपको इवेल्यूएट करके दूँ, तो आप निशांति अकेडमी की साइट पर जाकर के या निशांति अकेडमी के एप्लीकेशन पर जाकर के CSIR CAC के डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो इवेल्यूएशन पैक है आप उसे ले सकते हैं। इसकी जो एक्चुअल जो प्राइस है वो 1500 रुपीज़ है, लेकिन आप अभी के समय में चाहें तो कूपन कोड लगा करके इस पर 25% का डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कूपन कोड लगाना है तो आपको कौन सा कूपन कोड यूज़ करना है, यहाँ पे समर 25,
ठीक है, SUMMER 25 विदाउट स्पेस अब टाइप करोगे तो जो भी प्राइस यहाँ पे मेंशन है 500 रुपीस, आपको इस पर भी 25% का ऑफ मिल जाएगा और अराउंड में 1100 के आसपास का ये पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर है क्या, तो इसके अंदर आपको 15 टेस्ट दिए जाएंगे, 15 पहले 20 बोला था मैंने, लेकिन चूंकि समय कम है तो 15 बेस्ट टेस्ट मिलेगा। इसके बाद अगर समय बचता है तो आपको एक्स्ट्रा में और 5 मिल जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टेस्ट वो डिपेंड करता है कि आपके पास समय कितना है। आप इन 15 टेस्ट के द्वारा अपने जो भी टेस्ट दिया हुआ है, जो भी चीज़ें आप रिटर्न में लिख रहे हो अपने टेस्ट के अंदर, आप उसे इवेल्युएशन सही तरीके से करवा सकते हो निशान सर के द्वारा, यानी कि मेरे द्वारा, और फिर उसे उसके द्वारा आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको हर टेस्ट में गाइड करूँगा, जिससे जब आप ये 15 लेवल्स पार करेंगे तो आपका जो लेवल होगा वो एज़ कम्पेयर टू बिगिनिंग स्टेज, ठीक है, वो काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, 100 एसेज जो हैं वो मैं आपको कंप्लीट करके दे रहा हूँ विथ करेंट डाटा। करेंट डाटा मतलब 2023 से लेकर के 24 के अकॉर्डिंग, 2023-24 के अकॉर्डिंग जो भी इम्पॉर्टेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको 100 एसेज मैं आपको कवर करके दूंगा। इसकी एक ई बुक मैं लॉन्च कर रहा हूँ जो 12 जून तक लॉन्च हो जाएगी, और इसका लिंक आप सभी को टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और यूट्यूब चैनल के ऊपर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा CPT की एक एक्सरसाइज बुक मैं लॉन्च कर रहा हूँ, ये भी आपको 12 तारीख तक मिल जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, इसके द्वारा अपना बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।